दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस चैनल में। आपने जो है पहली अपडेट की और अपनी आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। इस समय जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के अंतर्गत जो है डिप्टी रजिस्ट्रार्ड है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्ड है और साथ में सेक्शन ऑफिसर है, माली है, कुली, सबके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, कुक है, मैस हेल्पर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, इसमें जो असिस्टेंट जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इस सभी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। प्योन है, सभी के लिए भर्ती आ चुकी है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jnu.ac.nic पर जाके आप देख सकते हैं। और भी इसमें जो आप देख सकते हैं कारपेंटर के पद हैं, वायरमैन के पद हैं, है ना, और साथ में खलासी है, ये सब के हैं। ये ग्रुप डी की नौकरी होती है, खलासी वलासी जो होती हैं ये सब ग्रुप डी की नौकरी है। आप देख सकते हैं कारपेंटर वगैरह जो हैं और कॉबलर हैं, मोची वगैरह हैं, ये सब जो है ग्रुप डी की नौकरियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपने आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, समझो 1 करोड़ ईमेल आईडी का जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो है बच्चों को पासवर्ड तक याद नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है केपी इंटर कॉलेज में जो है 12वीं के छात्र जो ऐश्वर्य प्रताप यादव ने बताया है कि 10वीं और 12वीं के जो है 1 करोड़ से ज़्यादा ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शासन ने जो है निर्देश पर यूपी बोर्ड ने शुरू किया है पाठ्यक्रम, बोर्ड ने दिखाया रोजगार का सपना और छात्रों को नकारा। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपने आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, इसमें CSIR वालों को जो है लिखित परीक्षा में छूट मिलेगी। यहाँ पे जो है PhD के लिए यहाँ पे बोला गया है, डॉक्टर जो है प्रोफेसर रज्जू भैया जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर आप देख सकते हैं PhD के लिए 534 इसमें 35 सीटों में जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपने आगे बढ़ते हैं, आज से जो है शुरू होगा PCS का साक्षात्कार, मतलब क्या इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजीनियर जूनियर भर्ती की परीक्षा जो है 26 को जारी होगा प्रवेश पत्र। तो यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड जो है जूनियर इंजीनियर के अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 26 तारीख से स्टार्ट होंगे और यहाँ पर बताया गया इसमें जो है महाभर में कुल 17 दिन में साक्षात्कार होगा PCS का। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपने आगे बढ़ते हैं, MTS और हवलदार के चयनितों का जो सत्यापन अभिलेख जो है वो आज से शुरू हो जाएगा और ये जो सत्यापन जो शुरू होगा वो मल्टीटास्किंग स्टाफ और MTS के पदों पर होगा। ये तो इसके द्वारा ही जो है मल्टीटास्किंग मतलब MTS जो SSC MTS है वहीं पर जो है इसमें हवलदार और भी कई सारे पद हैं वहाँ सत्यापन आज से शुरू होने जा रहा है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपने आगे बढ़ते हैं, 28 तक जो है कर सकेंगे इसमें जो RTE के आवेदन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, ये बात हो रही है। इसमें निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अधिनियम के तहत जो है जो निजी स्कूल होते हैं वहाँ पे जो है एक तरीके से RTE के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की अपने आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती परीक्षा घपले में इनामी गिरफ्तार, बात और इस समय जो आपने देखा होगा कि दरोगा भर्ती में भी घपला हुआ था और जो है UPSC हो चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे आपका जो कहीं से भी अरुणाचल प्रदेश हो कहीं से भी हो कहीं ना कहीं घपला इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया देहरादून से। आपने देखा होगा अभी एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने पेपर को लीक के लिए सामने खबरें आई थी, तो यहाँ पर इसको जो गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपनी आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया ऐसे प्रधानाचार्य भर्ती 2013 निरस्त करने पर बड़ी रार, मतलब वही चाहे TGT PGT हो या फिर कोई भर्ती हो, मतलब क्या एक बार निकालने के बाद उसको निरस्त नहीं कर सकते। पर यहाँ पे इन्होंने जो है 2013 में निकली थी और 23 हो गई, मतलब क्या 10 साल पूरे हो चुके हैं भर्ती को और अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, बड़ा लंबा इसमें काम चलता है। यहाँ पर लिखा हुआ तदर्थ जो है प्रधानाचार्य नहीं चाहते हैं नियमित भर्ती, सही बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं जो तदर्थ जो प्रधानाचार्य भर्ती नहीं चाह रहे इसलिए रार में बढ़ चुकी है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपने आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे PGI नर्सिंग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। संजय गांधी स्नातकोत्तर जो विश्वविद्यालय है और स्नातकोत्तर जो है वहाँ उसमें जो है इस संस्थान में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर बताया गया इसमें 18 फरवरी इसमें ऑनलाइन परीक्षा तिथि बताई गई है। तो 18 फरवरी के दिन जो परीक्षा इसमें जो है करी गई थी और इसकी आंसर की अब जारी बहुत जल्द इसमें होने वाली है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपने आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो है PCS JEE Mains में अभ्यर्थियों के लिए जो है OTR जरूरी, मतलब क्या है जब PCS Mains के लिए इसमें जो है अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें जो OTR मतलब क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है और 1 अप्रैल के बाद जो सभी विज्ञापनों में जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब OTR स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर PCS JEE Mains इन्होंने जो है अभी से स्टार्ट कर दिया है।
यूपी ट्रिपल SC से खबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर राजस्व से लेखपाल भर्ती 2022 के लिए जो इन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे जो 20 फरवरी सोमवार को धरना प्रदर्शन होगा, और ये धरना प्रदर्शन जो होगा वो आयोग की तरफ से ही होगा और आयोग में ही होगा, ठीक है। इन्होंने कहा रिजल्ट जारी किया जाए लेखपाल भर्ती के जल्द से जल्द। शिक्षकों के जो है चयन के लिए जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो है तो यहाँ पर गठन का जल्द हो जाएगा, और आयोग के गठन के बाद जो है सरकार जो है बजट सत्र में उप शिक्षा निदेशालय की विधेयक 2023 पारित करेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक और माध्यमिक और उच्च और ये तकनीकी शिक्षण संस्थान होते हैं, यहाँ पर तीनों को मिलाकर जो है एक नया आयोग बनने जा रहा है, उसका नाम है शिक्षा सेवा आयोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज के जो अखबार में दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राज्यपाल के जो अभिभाषण से होगी शुरुआत और जो विपक्षी दलों के तेवर सीखे जो तीखे है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विधानसभा का जो बजट सत्र जो है आज से और हंगामे के आसार। हंगामे क्या है, जो इसकी जो विपक्षी पार्टी होती है वो हंगामा करती है, इसमें तो कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ कमियाँ निकालेंगी। तो वहीं उन्होंने कहा है इसमें जो है कि यहाँ पर विपक्षी लोग भी जो है 22 फरवरी को इस जो है इसमें जो है 22 सत्र में जो है वो शुरू होने जा रहा है, इसमें जो आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बताया गया है इसमें विधानमंडल का बजट सत्र आज सरकार को घेरेगी विपक्ष। मतलब वही चीज़ क्या है कि इसमें जब आयोग बन जाएगा तो TGT PGT प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये सब जो है नए सिरे से कराई जाएगी, और जो इसका एग्जाम जो अटका हुआ है वो भी बहुत जल्द कराया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी बताया गया है इसमें विधानमंडल बजट सत्र जो सोमवार से शुरू होगा यह वर्ष 2023 में जो है 18वीं शताब्दी का हो जाएगा, क्या 18वीं विधानसभा का जो है ये 14 सत्र होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आज से स्टार्ट होने जा रहा है। असम राइफल्स में जो निकली हैं बम्पर भर्ती, मतलब 616 पदों पर जो है हवलदार और ऑफिसर के पदों पर भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 19 मार्च 2023 है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से जाके आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं, आप जो है स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है इसमें जो शिक्षा मित्रों का जो महासम्मेलन आज है, यहाँ आप देख सकते हैं रामाबाई पार्क मैदान में 11 बजे से महासम्मेलन होने जा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यह इनका सम्मेलन आज होगा लखनऊ में। और ये जो पत्र भी जो है वो लिखा गया है उत्तर प्रदेश जो प्राथमिक शिक्षक मित्र जो होते हैं शिक्षा मित्रों के संदर्भ में ही है, आप देख सकते हैं 18 फरवरी को था। अब ये यहाँ मंत्री जी भी आ रहे हैं, इसलिए जो है मंत्री जी आ रहे हैं उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सब आएंगे, तो यहाँ पर जो है कि इन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए कोई जो है उपाय निकाला जाए। यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भर्ती है आपका से निकल ना जाए, कोई सूचना आपके हाथ से छूट ना जाए, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी करने के बाद जो है इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।